अच्छा इंसाइड स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और विराट कोहली ने 2014 के एंड में कप्तानी ली, तब हिंदुस्तान की टेस्ट रैंक 7 थी, और आज उन्होंने रिजाइन जब करा है तो हिंदुस्तान की रैंक है नंबर 1। और विराट कोहली ने जो बॉम्बशेल पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को दिया है, उस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रेट वसीम जाफर। तो वसीम भाई, व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी एज अ टेस्ट कैप्टन। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, जस्ट आपको एक स्टार्ट मैं बता दूं कि जितने भी यू नो कप्तान हिंदुस्तान ने या वर्ल्ड क्रिकेट ने देखे हैं, तो उसमें आप अगर नाम करें स्मिथ का, पॉन्टिंग का, स्टीव वॉ का, तो विराट कोहली का विनिंग परसेंटेज उनके लगभग बराबर है, और किन किन से तो बेटर भी है। 58% का विनिंग परसेंटेज, 68 मैचेस, 40 में विक्ट्री, और अवे फ्रॉम होम जो भवरा टैग था, बाहर जीत नहीं पाते, गांगुली वो लेके आए, लेकिन उसके बाद 37 मैचेस कप्तानी बाहर करी, 16 मैचेस जीते। तो वसीम भाई, आपका पहला रिएक्शन, और वाज यू एक्सपेक्टिंग दिस, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं जी, नहीं, मैं एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि कल टेस्ट मैच खत्म हुआ और आज ये इतनी बड़ी न्यूज आई, तो ऑब्वियसली रियली रियली सरप्राइज। डेफिनेटली विराट कोहली हैज लेफ्ट हिज लेगेसी एज अ कैप्टन, कि जिस तरह से उन्होंने बायलैटरल जो भी सीरीज है उसके अंदर, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो या टेस्ट मैचेस हो, होम एंड अवे तीनों ही फॉर्मेट में, तो ही इज लाइक इट ब्रिलियंटली। बट आई फील्ड के शायद T20 कैप्टनशिप उन्होंने जो रिजाइन किया, उसके बाद में वनडे की कैप्टनशिप से उनको निकाला गया, एंड देन फॉर हिम टू स्ट्रेट अवे आफ्टर वन सीरीज आकर सीरीज हारने के बाद में इतना बड़ा यू नो डिसीजन लेना, तो इट रियली रियली डिड सरप्राइज मी। But he's been one of the finest leaders. If I have to talk about, you know, leading in bilateral series, leading in the test matches away from home, he's definitely left his legacy. बिल्कुल, और वसीम भाई, रिकॉर्ड की हम लोग बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को हराना डिफिकल्ट है। 31 मैचों में हिंदुस्तान ने कप्तानी करी, 2 मैचेस हारे हैं, वो कभी इशू नहीं रहा, बाहर जीतना इशू था, लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको पिक करना हो द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ विराट कोहली आउटसाइड यू नो हिंदुस्तान, तो क्या रखेंगे, कहां पर आप उसको रेट करेंगे? हां, आई थिंक बहुत सारे यू नो क्रेडिटेबल अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में जब 2018 में हमने हराया था, दैट वाज इनक्रेडिबल। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कोई टीम, सबकॉन्टिनेंट टीम ने जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, सो दैट वाज डेफिनेटली यू नो राइट अप देयर among the best you know moment of his captaincy. South Africa mein jaake one day series jitna, South Africa mein jaake T20 series jitna, Australia mein jitna, jo ke isse pehle nahi hua tha, so I think that is his incredible achievement. India mein jitna, again you know we take it for granted, I feel sometimes ke India mein to jitne wale hain hum log, but jo performance humne India ke bahar kiya hai, khas karke साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अगेन हम लोग 2-1 से आगे हैं ये सीरीज में जो कप्तान थे, तो डेफिनेटली इंडिया ने जिस तरह से उनके अंडर में परफॉर्मेंस किया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बायलैटरल सीरीज में के साउथ अफ्रीका में जीतना, ऑस्ट्रेलिया में जीतना, और अवे सीरीज में एज ए कैप्टन, टेस्ट मैच कैप्टन, डेफिनेटली इंडिया हैज यू नो पीक इन हिज कैप्टनसी। बिल्कुल, और कुछ ट्वीट्स ले रहा हूँ वसीम भाई, पहले तो मैं आपका ट्वीट लूंगा जो आपने अभी रिसेंटली ट्वीट किया है कि पहले हिंदुस्तान जब बाहर जाता था तो फेवरेट्स नहीं था, लेकिन अब बाहर हार रहा है तो पीपल आर सरप्राइज, जिस तरह से उन्होंने एक लेगेसी बनाई है। और उसके बाद विराट कोहली का जो ट्वीट है, जो पूरा उन्होंने शेयर किया, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया, तो वसीम भाई, व्हेन ही लेफ्ट हिज T20 कैप्टेंसी, तब उनका स्टेटमेंट आया था कि आई वांट टू फोकस इन व्हाइट बॉल कप्तानी करनी है, मुझे टेस्ट मैच कप्तानी करनी है, ऑब्वियसली व्हाइट बॉल कप्तानी ले ली गई। उसके बाद एज अ कैप्टन सडनली 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ, मतलब अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें कि ऐसा सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपने बोला कि टेस्ट मैचेस पे आप आई डोंट वांट टू कप्तान, मतलब मुझे कप्तानी नहीं करनी है, तो क्या आपको लगता है कि व्हाट ही वाज थिंकिंग, क्योंकि 3 महीने पहले कुछ और था, सडनली ऐसा क्या हो गया उन्होंने बोला कि नहीं यार दैट्स इट, अब मुझे सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलना है, एज अ प्लेयर खेलना है, व्हाट डू यू थिंक?
आई थिंक कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यू नो थिंग्स आर नॉट राइट यू नो कि शायद वो वनडे कैप्टनशिप नहीं छोड़ना चाहते थे और वो उनसे शायद ले लिया गया या शायद वो कम्युनिकेशन शायद बराबर नहीं हुआ और हमने सुनाई भी दिया कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप हुआ है उनके और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में एंड आई थिंक प्रोबेबली वो शायद ब्रिज और बढ़ता चला गया आई फील यू नो द थिंग्स वर नॉट रियली यू नो कम्युनिकेशन वाइज शायद इतनी अच्छी नहीं होगी और उनकी और शायद रवि शास्त्री की जो ट्यूनिंग थी यू नो दे वर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते थे एज अ कैप्टन एंड कोच आई एम नॉट सेइंग कि शायद राहुल द्रविड़ से उनको कोई प्रॉब्लम होगी राहुल द्रविड़ विल बी द लास्ट पर्सन दैट यू नो यू डोंट गेट अलोंग बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऊपर यू नो ही इज प्रोबेबली नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव टर्नड आउट after he resigned as a T20 captain but somewhere I feel you know as an indian fan as an indian cricketer I feel that it is probably good for india that you know he's left the captaincy because we want the virat kohli the batsman more I feel and that is only going to benefit the indian team and indian fans you know we want that virat kohli of 2016 2015 वाले जो विराट कोहली बैट्समैन चाहिए हमको वी वांट टू सी दैट विराट कोहली एज अ बैट्समैन एंड ही विल डेफिनेटली इफ ही स्टार्ट टू स्कोर इन दैट मैनर इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प एनीबॉडी हु इज गोइंग टू कैप्टन सो आई फील समवेयर इट इज नॉट अ बैड डिसीजन इन अ वे बिल्कुल और वसीम भाई आपने बल्लेबाजी का जिक्र किया ऑब्वियसली अब कोहली का जो एरा है चाहे कप्तानी का एरा है वो खत्म हो चुका है कुछ स्टैगरिंग स्टार्ट हमारे सामने जो मैं शेयर करता हूँ फिर आपको कमेंट लेंगे 213 मैचेस में कप्तानी करी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स 135 मैचेस जीते 12,883 रन एवरेज लगभग 60 का और माइंड बॉगलिंग 4,100 तो शायद ही कोई ऐसा कप्तान इनफैक्ट वर्ल्ड में आया हो जिसका ये ऐसा रिकॉर्ड हो बल्लेबाजी में तो आई थिंक एज अ लीडर कोई प्लेयर इंजॉय करते हैं बीइंग अ लीडर तो आप उनको उस कैटेगरी में रखते हैं जब वो इंजॉय करते थे भैया मैं कप्तान हूँ आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट तो ये चीज उनको क्या खा रही थी दो तीन साल से रन नहीं बन रहे थे क्या आप आउटसाइड अगर कहीं बोलना चाहें कि ऐसी क्या बात थी दो साल से रन भी नहीं बन रहे हैं लाइक शतक नहीं आ रहे हैं तो वो प्ले करते हैं अराउंड कि यार मैं जस्ट फोकस कर लेता हूं अपनी बल्लेबाजी पे लेट अस जस्ट फोकस ऑन नहीं आई डोंट थिंक सो मुझे नहीं लगता है कि शायद उनका बैटिंग फॉर्म इज द रीजन फॉर हिम टू लीव द कैप्टनसी इट्स डेफिनेटली the communication with the administrator or jo kuch bhi unke T20 resign karne ke baad mein as a captain resign karne ke baad mein jo issues hue I think that is probably the main reason I feel I don't think even though unhone 2 saal mein 100 nahi banaya but he's never looked out of form he never looked you know he failed completely he kept on you know scoring 50s 60s you know that 50 उन्होंने नहीं बनाया बट ही नेवर लुक के ही इज आउट ऑफ फॉर्म और बिल्कुल ही रन नहीं बन रहे डेफिनेटली कैप्टनशिप में उन्होंने रिलिश किया एंड ही इज वन ऑफ दोस गाइस हु टेक चैलेंजेस हेड ऑन एंड ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट यू नो उन्होंने लीड एज एन एग्जांपल किया है कि यू नो ही टुक ऑन वेरी पॉजिटिव यू नो मेथड ऑफ कैप्टनिंग he challenged team outside you know india ke bahar jaakar you know team ko challenge kiya hai wahan par result bhi unhone produce kiya so he is one of those guys who like challenges so there's no surprises ke he performed when he became captain so he definitely relished that job and he relished that you know responsibility bilkul aur aapne jaise zikr kiya ki communication gap nazar aa raha tha और जब साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली थी तो उनसे पूछा भी गया कि क्या आपको बताया गया था कि यू आर लीविंग आपको ओडीआई कप्तानी से हटाया जा रहा है तो उन्होंने बोला एक घंटे पहले मुझे पता चला तो वो नजर आ रहा था कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप है लेकिन यू हैव प्लेड विद सो मेनी ग्रेट कैप्टन्स तो विराट कोहली की शेड आपको क्या नजर आए किसी कप्तान के पुराने किसी ग्रेट कप्तान के भैया ये उस लेवल का कप्तान है और सबको सरप्राइज कर गया किसी कप्तान को आप नाम लेना चाहेंगे जिसके आपको शेड्स नजर आए विराट कोहली From the past, I think हर कप्तान की अलग स्टाइल होती है सौरभ यू नो हर कप्तान का लीड करने का एक अलग तरीका होता है सौरभ गांगुली डिफरेंट कप्तान थे मोहम्मद असरुद्दीन डिफरेंट कप्तान थे सचिन डिफरेंट कप्तान थे एम एस धोनी बिल्कुल अलग कप्तान थे तो विराट कोहली वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट ही वॉज वेरी यू नो वेरी वोकल वेरी यू नो ही यूज टू शो लॉट ऑफ इमोशन ऑन द ग्राउंड वेरी
you know, somebody who is not going to take anything lying down. So he had his own style, and that has given him success, no matter what you say. Even though he didn't win any ICC events, but definitely bilateral series ke agar aap baat kare, to India har format ke andar unke andar number one raha hai. So that is again says a lot about, you know, how he's captained the side. और हर कैप्टन का सौरभ कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है सॉरी तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि उनका स्टाइल इनसे मिलता था या उनसे मिलता था ही हैड हिज ओन स्टाइल एंड दैट इज व्हाट यू नो ही ब्रॉट मुझे ऐसे लगता है कि शायद उनकी वजह से जो फिटनेस का जो इतना अवेयरनेस आया है क्रिकेटर्स के अंदर वो थ्रू एंड थ्रू बिकॉज ऑफ विराट कोहली आया जो आज हम जो इंडियन टीम को फील्डिंग करते हुए देखते हैं इंडियन टीम को जिस तरह से अप्रोच करते हुए देखते हैं इंडियन टीम आज जिस तरह से रिस्पॉन्ड करती है प्रेशर सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में जहां से लगता है कि इंडियन टीम हारने वाली है दैट इज ओनली बिकॉज हाउ विराट कोहली हैज लेड एज अ कैप्टन सो आई फील दैट इज प्रोबेबली हिज लेगेसी देयर इज नो डाउट अबाउट बिल्कुल अगर बहुत ही रेयर लीडर्स आए हैं जिनको लगातार बैकिंग मिली पूरे यू नो पूरे करियर में और एन चाकल का बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि हर प्लेयर का एक एक्सपायरी डेट होती है कप्तानी की रिकी पॉन्टिंग को देखा आपने एंड में कैसे करियर के जब उनको ट्रांजिशन फेज था क्लार्क को तो आपको ऑनेस्टली जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन गैप है क्या ऐसे चांसेस हैं कि इस हार के बाद ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे सीरीज जीतेंगे क्या पता मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया हो ये बोल सकते हैं कि ऊपर से आया हो कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अ चेंज ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या No, I don't know, or I don't think it's right for me to comment on that. ये तो विराट कोहली और मैनेजमेंट ही बता सकता है, but I think it's विराट कोहली's decision. Nobody can tell him to step down. There's no doubt about it. It's his own decision, and we have to respect that. He's led, you know, with example, and we have to respect his decision. चलिए वी शुड रिस्पेक्ट दिस सीजन और जाते जाते मैं कुछ यूट्यूब के क्वेश्चन यूट्यूब पे लाइव है और यूट्यूब पे देयर आर फ्यू क्वेश्चन वसीम भाई से वो क्वेश्चन ले लेते हैं वसीम भाई फेवरेट मोमेंट फ्रॉम हिज कैप्टेंसी आपके लिए पर्सनल अगर आपको रेट करना हो दैट इज द मोमेंट कि भैया यहाँ पर कप्तान विराट कोहली ओवर क्या है ये क्वेश्चन आया है अनूप का अनूप इज आस्किंग दिस क्वेश्चन आई थिंक इंडिया ने जिस तरह से वाइड बॉल क्रिकेट में क्रिकेट खेली है T20 क्रिकेट खेली है वनडे क्रिकेट खेली है खास करके अवे फ्रॉम इंडिया स्पेशली न्यूजीलैंड को 4-0 जो T20 में हमने हराया था न्यूजीलैंड को वनडे में वहां पर जाकर हराया ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने सीरीज जीती है साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीती है जो इससे पहले नहीं हुआ था दैट इज डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि वो उनका You know, probably high point था ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया आपको कि शायद 2018 में जो first time हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराए that is going to be the icing मेरे हिसाब से that is definitely an icing for him as a captain और even I feel के जो जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी जो इंडिया के अंदर थी और हम लोग 1-0 से वो सीरीज शायद 2015 या 16 में वो सीरीज थी आई कांट रिमेंबर द ईयर बट वो साल में हम लोग 1-0 से पुणे में हम लोग टेस्ट मैच हार गए थे और उसके बाद बैंगलोर में बैंगलोर में आके टेस्ट मैच जीता और उसके बाद वो सीरीज जीती थी आई थिंक दैट वाज और धर्मशाला में भाई जीते हम लोग जाके जी हां जी अजिंक्य ने शायद वहां पे कप्तानी की थी तो आई थिंक दैट सीरीज आल्सो क्योंकि वो सीरीज में मुझे ऐसे लगता है कि शायद इंडियन टीम उस वक्त होम कंडीशंस में बहुत प्रेशर में आई थी ऐसे लग रहा था कि यू नो प्रोबेबली ऑस्ट्रेलियन टीम वुड रन अवे विद दैट सीरीज सो आई थिंक दैट सीरीज स्टैंड्स आउट हिम एज अ कैप्टन प्रोबेबली क्योंकि इतने रन नहीं बनाए थे बट आई थिंक लेड फ्रॉम द फ्रंट इन दैट बैंगलोर टेस्ट मैच आई रिमेंबर पुजारा और रहाणे ने उस टेस्ट मैच में रन बनाए थे बट आई थिंक बायलैटरल सीरीज की अगर हम बात करें सो ही इज डेफिनेटली वन अमंग द बेस्ट एज अ कैप्टन और आपने रहाणे का जिक्र किया वसीम भाई अब पोटेंशियल कप्तानी सीधे सीधे रोहित शर्मा के पास आ जानी चाहिए रेड बॉल की भी और अगर हम रोहित शर्मा का फ्यूचर देखें क्योंकि ऑब्वियसली ही इज आल्सो 33-34 और फ्यूचर में आफ्टर रोहित शर्मा किसको आप कप्तान एज अ हिंदुस्तान का देख रहे हैं टेस्ट मैच रेड बॉल का डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्ट्रेट अवे तो शायद रोहित शर्मा के पास जानी चाहिए कप्तानी बिकॉज आई थिंक ही इज गॉट दैट क्रेडेंशियल
he's got that temperament as a captain, proven success you know unka hai as a captain, so he should definitely get it. Age obviously is an issue, but I think kahin na kahin shayad aap may be Rishabh Pant ko aap groom kar sakte ho as a captain, possible captain. I would say Shreyas Iyer is not a bad option mere hisab se, because he's led in IPL and he's led them you know to couple of finals. He's possible guy. So those are the two names that I would like to think you know they could possibly be the next guy after Rohit Sharma. Aur abhi Wasim bhai white ball mein KL Rahul will be leading. So KL Rahul ko you don't see as a potential like as a vice captain or a captain by red ball mein. Nahi, KL Rahul ko halanki maine bahut closely dekha hai Punjab mein karte hue, but again hum logo ko jaise maine last show mein bhi Saurabh kaha tha ke we have to see him how he captains the side in this one day series, then obviously we'll take a call. So I feel ke, you know we have to wait and see ke how he responds you know tactically especially. So I'm sure ke unko apni batting mein itna affect nahi karega unki captainship karna. I don't think it's going to affect his batting a lot, but tactically wo kitne acche hain tactically, aur khaas karke jab you know teams और कैप्टन की आई फील के क्वालिटी तब पता चलती है जब आपकी टीम अच्छा नहीं खेल रही है, जब आपकी टीम अंडर प्रेशर है, तब आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आप टैक्टिकली उस वक्त कितने अच्छे हो, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम. सो दैट इज व्हाट यू नो नीड्स टू बी यू नो लुक्ड एट व्हेन वी सी दोस वन डे. सो वी विल हैव टू वेट एंड सी दैट व्हाट हैपेंस. चलिए और वसीम भाई आई गेस दैट्स इट. और जाते जाते वसीम भाई ने प्रेडिक्शन पिछली बार किया था कि 3 मैचों में 100 आ रही है. अब एक और ऐड कर लें क्योंकि कप्तान नहीं है, और फ्री होके खेलेंगे कि एक पे काय नहीं. कप्तान तो ऐसे भी वनडे सीरीज में तो वो नहीं, वनडे से हट ही चुके थे. आई थिंक वनडे से हट चुका था, बट आई थिंक दैट प्रेशर आई फील विल बी ऑफ हिज हेड नाउ. और मुझे ऐसा लगता है कि वी विल प्रोबेबली सी द बेस्ट ऑफ विराट कोहली एज अ बैट्समैन नाउ. जो हम लोगों को जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही हुआ था, जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी वी गॉट द बेस्ट यू नो हमको सचिन तेंदुलकर द बैट्समैन हमको देखने मिला और उन्होंने इतने रन बनाए उसके बाद में. तो आई फील प्रोबेबली हमको शायद विराट कोहली के साथ भी उम्मीद है कि वो भी हमको उस तरह से देखने को मिलेगा और इसका फायदा हिंदुस्तान को ही होने वाला. चलिए वसीम, बिल्कुल वसीम भाई अमेजिंग. आई थिंक वसीम भाई वी शुड सेलिब्रेट, जितने भी फैंस हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, rather than being sad, I think we should celebrate his career. जैसे भाई ने भी बोला कि जैसे टेस्ट करियर रहा है, कप्तानी का करियर रहा है, we should celebrate it. और hopefully we will see, जैसे वसीम भाई ने बोला कि we will see again he is scoring amazing runs for India और continue करते रहे. वसीम भाई थैंक यू सो मच. अब वनडे सीरीज में वसीम भाई से फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सर.